इस बार जो सरकारी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं उन्हें पाठ्यक्रम के सभी विषयों पर पकड़ बनानी बहुत आवश्यक हो जाती है। आजकल की सरकारी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स एक स्कोरिंग विषय है जिसमें आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को हल करने में सबसे कम समय लगता है। नमस्कार, मैं कविता आप सभी का अपने YouTube चैनल कविता इज एयर पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिफोर स्टार्टिंग एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कम्प्लीटली वॉच करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। काइंड अटेंशन प्लीज कि मैं जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करने का प्रयास किया है, और आप वीडियो स्किप ना करें या वीडियो आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए जस्ट मैं क्वेश्चंस रीड करूंगी और इसके ऑप्शंस आप चाहें तो पढ़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं जस्ट इसके आंसर्स आपको वन बाई वन बताती जाऊँगी, तो उम्मीद है कि आप साथ में बने रहेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्राइम राइटर डैस द्वारा द एंड गेम नामक एक उपन्यास लिखा गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ई, हुसैन जेदी। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से किसे SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है डी, अश्वनी कुमार तिवारी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उस भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसका करेक्ट आंसर है VP प्रवीण सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले व्यक्ति का नाम बताएं जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो लंबे समय तक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जॉन लुइस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मध्य प्रदेश के राज्यपाल डैस का निधन 11 जून से लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन और हम सभी इसका आंसर जानते हैं, एब्सोल्युटली राइट, डी, लालजी टंडन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने भारत के आत्मनिर्भर भारत बनने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ई, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोष। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने हाल ही में डेटा आदान प्रदान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए डैस के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर एट, भारत का सार्वजनिक EV इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा कहां पर स्थापित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली, दैट्स मीन ऑप्शन ई विल बी करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए डैस पहल की शुरुआत की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर है मनोदर्पण। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर टेंथ, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैरी जर्मन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11th, उस देश का नाम बताइए जो वर्ष 2022 में पुरुषों के T20 विश्व कप 2020 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, और इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, दैट्स मीन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12th, वायुवृद्ध ओडिया अभिनेता का नाम बताइए जिनकी पहली फिल्म
चिलिका टायर थी और जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, विजय मोहंती। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। उस केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट का नाम बताइए जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? दिल्ली, दैट्स मीन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट 2 सेकंड, दैट निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है? और इसका करेक्ट आंसर है डी, बलदेव सिंह सदाकर्णम। लास्ट ऑफ ऑल बट नॉट लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 15 इज, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल द्वारा डैश में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है, और इसका करेक्ट आंसर है क्या है? करेक्ट आंसर है बी, मिजोरम। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, वेरी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।